कभी तानाशाह अगर हम बन जाए एक घंटे के लिए तो पूरे देश में हम शराब बंदी को लागू कर देंगे, तो तभी बीमार होंगे, नहीं पियोगे तो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और कोई दुकान नहीं रहेगा, सबको खत्म कर देगा। ये बापू का उस समय का कहा हुआ। और शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए थे तो यह तानाशाही फैसला था, ये लोग कह रहे थे, यह विपक्ष कह रहा था। लेकिन वही नीतीश कुमार का कहना है कि महात्मा गांधी के जिन विचारों पर मैंने शराबबंदी लागू किया था वो गांधी कहा करते थे, अगर मुझे एक दिन तानाशाह बनने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले शराबबंदी लागू करूंगा। फिर क्या था गांधी के सपनों को साकार करने के लिए नीतीश कुमार ने जो कसमें खाई है उसे पूरा करने के लिए नीतीश कुमार तानाशाह बनने को भी तैयार हैं। नीतीश कुमार आज सारण में थे, गोपालगंज की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बिहार में तानाशाह कहा जाता हूं, लोग मुझे और मेरे फैसले को तानाशाही फैसला बता रहे हैं। जब अपने सवाल उठा रहे हैं तो नीतीश कुमार का गुस्सा होना लाजमी है क्योंकि गठबंधन के सहयोगी नीतीश के फैसले पर समीक्षा की हिदायत दे रहे हैं, समीक्षा की सलाह दे रहे हैं। फिर क्या नीतीश कुमार आज सार्वजनिक मंच से कह दिए कि बिहार में जो लोग कहा करते थे कि गुजरात का मॉडल लागू हो जाए, मैं किसी को इस तरीके की बात बोलते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और ना ही कभी यह लागू करूंगा। नीतीश कुमार ने कहा कि तानाशाह अक्सर बिहार में पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठते रहा है, आधी रात को पुलिस महिलाओं के कमरे में घुस जाती है तो सवाल उठता है कि क्या नीतीश के शासनकाल में पुलिस तानाशाही अख्तियार कर रही है या सुशासन के मुखिया ही तानाशाह बने हुए हैं। अब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं तानाशाह हूँ, मुझे मौका मिला और मैंने तानाशाही की। दरअसल महात्मा गांधी के आदर्शों पर और महात्मा गांधी के विचारों को, महात्मा गांधी के सपनों को बिहार में साकार करने के लिए नीतीश कुमार ने जिस अभियान की शुरुआत की थी उस अभियान की कड़ी में नीतीश ने भले ही बिहार के सरकारी दीवालों पर यह गुदवा दिया हो कि नीतीश के साथ सपने क्या हैं, महात्मा गांधी के साथ सपने और विचार क्या थे, लेकिन सुनहरे अक्षर में गुदवाया हुआ शब्द शायद नीतीश के सिस्टम को ही पसंद नहीं आता है, ना ही उनके अधिकारी उस पर अमल करते हैं। लिहाजा बार बार नीतीश कुमार को समीक्षा करने की सलाहें दे डालते हैं। बीजेपी हो या माझी, हर कोई सलाह दे देता है, लेकिन नीतीश कुमार आज यह साफ कर दिए कि सलाह चाहे जितनी देनी है दे दीजिए, मेरा तानाशाही कम नहीं होगा। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि हाँ मैं तानाशाह हूँ। पियोगे तभी बीमार होगे, नहीं पियोगे तो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, ये स्थिति है। तो इसलिए जरा लोगों के बीच में और बात जो हम तो शुरू से जो पिछली बार भी अभियान चला आप सब लोगों को मालूम है, हमारे जितने अधिकारी बन है नीचे के स्तर पर लोगों को कॉन्शस कर ही रहे तो इन बातों को कहिए। और दूसरी बात है देश की आजादी तो बापू के नेतृत्व में हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, और जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो बापू ने क्या कहा था, शराब बहुत बुरी चीज है और वो कहे कि अगर हमको एक घंटा के लिए अगर हम कभी तानाशाह अगर हम बन जाए एक घंटे के लिए तो पूरे देश में हम शराब बंदी को लागू कर देंगे और कोई दुकान नहीं रहेगा, सबको खत्म कर देंगे। ये बापू का उस समय का कहा हुआ। और लोगों के बीच में अभियान चलाते रहते थे तो बापू क्या बोलते रहते थे शराब के बारे में, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीजिएगा तो दूसरा काम सरकार घर में करते, अब दारू पीने में तो आपका पैसा छीना ही गया लेकिन आपकी बुद्धि भी हर जाती है। ये गांधी जी उस समय से लगातार कहते रहे और सारे शराब पीने वाला इंसान हैरान हो जाता है। तो ये बात भी इसी में हमने लिखवा दिया है कि जो बापू का था ये बात दोनों, एक तो बापू ने जो देश को आजाद कराया उनकी क्या भावना थी और दूसरी बात है जो 2016 में हम लोगों ने पुनः लागू किया और 2016 में जो दुनिया भर में शराब के बारे में जो आकलन हुआ
और 2018 में जो WHO की रिपोर्ट आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने जो बताया है शराब कितनी बुरी चीज है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।